हेलो फ्रेंड, जे एस उमडेन सिविल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 20x50 का पश्चिम मुखी घर का नक्शा, और वो भी पूरे वास्तुशास्त्र के अनुसार। इसका पूरा डिटेल्स हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। इसकी लंबाई है 50 फीट यहाँ से यहाँ तक की, और इसकी चौड़ाई है 20 फीट यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। और यहाँ से एंट्री होती है। इसका साइज है 3 फीट 8 इंच। यहाँ पर लिविंग एरिया यहाँ से यहाँ तक की 13 फीट 2 इंच, ठीक है। यहाँ से अंदर आते ही यहाँ पर आपको लेटरिंग एंड बाथ मिल जाएगा। इसका डोर यहाँ से D1। इसका साइज है 4 फीट बाय 7 फीट का। इस तरफ एक वेंटिलेशन, इस तरफ बेडरूम। इसका डोर यहाँ से, इसका साइज है 10x10 फीट का। इस तरफ एक विंडो, और यहाँ पर टॉयलेट एंड बाथ। इसका डोर यहाँ से D1। इसका साइज है 7 फीट बाय 4 फीट का। इस तरफ दूसरी बेडरूम, इसका डोर यहाँ से, इसका साइज है 10x10 का बेडरूम। इस तरफ तीसरी बेडरूम, इसका साइज है 10x13 फीट का। यहाँ पर किचन, इसका डोर यहाँ से, इसका साइज है 7 फीट बाय 8 फीट का। और यहाँ पर डाइनिंग और ड्राइंग हॉल, और यहाँ पर स्टेयर। इस तरफ यहाँ से ऑफ होगा, ऐसे यहाँ लैंड। इसका साइज है 7 फीट 6 इंच यहाँ से यहाँ तक की, 25 फीट 6 इंच यहाँ से यहाँ तक की, 7 फीट 6 इंच यहाँ से यहाँ तक की, 40 फीट 6 इंच यहाँ से यहाँ तक की, और 6 फीट यहाँ से यहाँ तक की। और यहाँ पर पूजा रूम, इसका डोर यहाँ से D1। इसका साइज है 8 फीट बाय 3 फीट 8 इंच का। इस तरफ एक वेंटिलेशन, यहाँ पर एक कलम, जहाँ पर भी रेड कलर का टिक दिख रही है वहाँ पर कलम लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, अगर इस घर का नक्शा आपको अच्छा लगा तो एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।